अभी अभी मैंने शमशेरा मूवी का ट्रेलर देखा, और ट्रेलर देखते ही फोन उठाया, सीधा वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, एक व्लॉग के टाइप की। कैमरा यूज नहीं कर रहा इसलिए थोड़ी बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। खैर ट्रेलर पे आते हैं। जैसे ये ट्रेलर रिलीज होता है, ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट जो है वो वायरल होने लगता है, फिर ट्रेंड करने लग जाता है। उस ट्वीट में होता है बॉयकॉट बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड का बहिष्कार करो। रीजन ये है कि जो इस मूवी के ट्रेलर के अंदर जैसे ही संजय दत्त का लुक हमारे सामने आता है, उसमें जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही है कि उन्होंने हिंदुइज्म के यानी हिंदू जो रिलीजन है उसके अंदर जो तिलक का यूज किया जाता है, तो बॉलीवुड की हमेशा ये मनसा रही है कि जो भी पूजा पाठ करने वाले, जो भी धर्म के अंदर आस्था रखने वाले हैं, उनको एक तरीके से विलन के तौर पे दिखाया जाए। और ऐसी काफी सारी इमेजेस जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। और इससे पहले जैसे ब्रह्मास्त्र को लेकर ट्विटर में एक ट्रेंड किया था, जहां पर रणवीर कपूर जो है चप्पलों के साथ या फिर शूज के साथ जो मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, और जिस तरीके के उनके बर्ताव वहां पर देखने को मिलता, इस करके भी वो काफी सारी चीजें वहां पर जो ट्विटर है उसके ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। खैर ये तो हो गया ट्विटर की बात। खैर फोकस करते हैं अपने इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर। देखो ट्रेलर दिखने में रिच लग रहा है, जैसे इसके अंदर जो लास्ट का एक सीन आता है जिसमें ट्रेन का हमें जो VFX देखने को मिले वो काफी मुझे पसंद आए। एक जो थीम इसकी डार्क रखी जा रही है वो मुझे काफी अच्छी लगी है। और जो लुक वाइज अगर मैं बात करूं, संजय दत्त का लुक वास्तव में काफी ज्यादा एक अग्रेसिव लुक है, एज कम्पेयर टू अगर मैं रणवीर कपूर की अगर मैं बात करूं तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव पावरफुल नहीं लगा जितना संजय दत्त का जो लुक है मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। वाणी कपूर भी है इस मूवी के अंदर, लेकिन उनको एक तरीके से फैशन के तौर पे या फिर कहें कि एक ग्लैमर डालना था मूवी के अंदर इसलिए डाल दिया गया और इसलिए उनको ले लिया गया। स्टोरी यही होने वाली है, जो ट्राइबल है, जो जनजाति है जिसको शमशेरा लीड कर रहा है, वो अपनी जनजाति को आजादी के लिए, अपनी जनजाति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अमीरों से जो पैसा लूटता है अपनी जनजाति के अंदर उसका बंटवारा कर देता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, वो अंग्रेजों के पास जाते हैं। अब अंग्रेजों से जो ट्राइबल हैं उनसे संभल नहीं रहे हैं, इसलिए यहां पर ब्रिटिश जो पुलिस के अंदर एक भारतीय नागरिक है यानी जो संजय दत्त, वो सामने आते हैं, कहते हैं कि मैं इनको संभालता हूं। अब इन्हीं के बीच की जो है लड़ाई जो है हमें देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर। खैर स्टोरी दिखने में, एक जो फिक्शनल स्टोरी है वो सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रही है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करती है मूवी। खैर मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा, आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।